मम्मी बोल रहे हैं क्या करना भाई? क्यों? स्टील का कुकर लेके आना और गाइस गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 8:30। तो आज नहा के अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी खाना खाना है, उसके बाद चलते हैं खेत। खेत पापा पहले जाए हैं, तो अभी मम्मी अंदर काम कर रहे हैं, बेड शीट वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह सॉन्ग सुन रहा था, तो ये मैं कल जो वेजिटेबल्स मतलब शिमला मिर्च लेके आया था और हरी मिर्च, और मेरे को एक साइज अच्छा लगा था, मैंने ये यहाँ पे रख दिया था। ये देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, बॉक्स टाइप बिल्कुल। अभी झाड़ू लग रहा है ना हमारे यहाँ, तो अभी मेरे को ये दे के आनी है जो मम्मी ने डाल दिया है चाची के लिए, ये दे के आते हैं फिर आके खाना खाते हैं। तो मम्मी ने ना ये दोपहर के लिए इन कज्जू में लगा दिया, हम कज्जू बोलते हैं इनको, गड़बी छोटी सी लकड़ की, उसकी लकड़ की नहीं सॉरी, ये होती है मिट्टी की बनी हुई, कहते कड़ोली, छोटी कड़ोली होती है, बड़ी कड़ोली। तो खाना खाते हैं। तो अभी ब्लॉग अभी जस्ट मैंने अपलोड किया है, और आज आया हुआ है आदि, मासी का पोता। चलो अब खेत चलते हैं, ये भी मेरे साथ चलेगा खेत को। खेत में आ चुके हैं, और आज आदि भी आया, अभी कितने दिन हो गया है ना, हो गया हफ्ते दो हफ्ते है ना, दो हफ्ते हो गए इसको आए हुए, क्योंकि अभी ये स्टडी करता है। कौन सी क्लास में? प्लस वन में हो चुका है, और इसने रखा हुआ मेडिकल। मेडिकल नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा है, इंजीनियर बनेगा। अच्छा जस भी ये हमने कटर ले लिया, तो चलो अब चलते हैं कद्दू तोड़ते हैं हम, और राम तोरी भी देख लेते हैं अगर कोई है। ये आप देख सकते हो कद्दू कम से कम ये 3-4 किलो से ऊपर हो गया, ये इसको मीठा कद्दू बनाएंगे। यूपी और बिहार में कद्दू को हम जैसे कच्चा खाते हैं वैसे नहीं खाते, इसको पकने देते हैं, वो पीला होने देते हैं बिल्कुल। एक ये पक रहा है, एक वो पक रहा है, ये देखिए पीछे बेल देख के आदि, ध्यान रखना, ये एक ये पक रहा है ठीक है। तो आदि बीच में भी अभी लग रहे हैं छोटे छोटे, इस साइड देख लेते हैं अगर कोई है तो उसको तोड़ते हैं। अब आज पहली बार है कि कद्दू कोई नहीं मिला और खराब कद्दू मिला है, तो यहाँ पे तोड़ के देखते हैं। गया बिल्कुल खराब, गल चुका है ये, तो भी राम तोड़ी तोड़ लेते हैं। तो आज ये 5 रामतोरी निकली हैं, इसमें से ये भी ख़राब है, मेरे को लगता है पापा सुबह ले गए और ये थोड़ी सी रहती थी, अब मैं ले जाऊंगा। तो गाइस खेत से आके सीधा मेरे साथ आदि था, तो मैंने पापा वाला कूलर और अपने वाला कूलर आज फिट कर लिया है, तो इसके बाद चलते हैं खेत। और आके मैंने खेत से मतलब रेस्ट की थी, अब फिर एक बार चलते हैं खेत, खेत मतलब एक मतलब राउंड लगा के आएंगे, मतलब खेत का एक कीड़ा, तो उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा सुवान नदी। सुवान नदी में आपको कौन से पॉपुलर लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं वो दिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चलती है वहाँ पे, और वहाँ का जो एरिया है आपको बहुत ही पसंद आएगा। उसके बाद सुवान नदी भी दिखाऊंगा आपको। चलो अब मम्मी से पहले पूछते हैं कि चाय वगैरह बना ली या नहीं,
मम्मी अभी देख रहे हैं यूट्यूब। मम्मी चाय बन गई? मम्मी ने चाय भी नहीं, चाय भी पी ली। तो अभी हमने कर दिया है कूलर फिट। मम्मी देख रहे हैं कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ और लोग फनी वीडियो बना रहे हैं, मम्मी वही देख रहे हैं। तो ये कूलर फिट कर दिया बाहर से हमने अंदर के लिए, और बहुत ही ठंडी हवा चलती है। खेत जाने से पहले मैं आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे जो कमेंट आए हुए हैं वो देख रहा हूँ, और आप सभी को हर्ट भी कर रहा हूँ, और सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ आपके। जितने भी कमेंट आते हैं मैं रोज़ बैठ के यहाँ पे पढ़ता हूँ। खेत में आके मैंने ये दोनों चेयर्स और मंजा अंदर कर दिया है, जिन्होंने कहने चारपाई पंजाबी जी कहने मंजा, तो अभी मैंने इसको इधर रख दिया है। तो अब चलते हैं सुवा नदी साइड, दिखाते हैं आपको सुवा नदी। तो मैं सुवा नदी साइड आया था, जो ये भी हमारा खेत है पिया चाची का, तो यहाँ पे भी पॉपुलर और लगी हुई है भिंडी। देखो चाची भिंडी तोड़ रहे हैं, आज किलो पूछ जाता है घरे फिर, है ना, हरी हरी। चलो आपको दिखाते हैं भिंडी। तो ये रही आपकी फ्रेश फ्रेश हरी हरी भिंडी। तो अभी ये भिंडी टूट रही है, और भिंडी तोड़नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसके कंडे होते हैं और उसके साथ एलर्जी और खांसी होती है स्किन पे। तो ये ऐसे लगी हुई है देख सकते हो, ये चाची ने अब सारी ये इधर से सारी लाइन करते करते उधर को जाना है। चाची कितनी हो गई, कितनी टूट गई? सब्जी वास्ते बस। उधर चाचा जी आ गए, गिड़ावान है। तो अब चलते हैं सुवा वाली नदी के, सीधा चलते हैं उधर। पहले मैं सोच रहा था कि आपको फ्लावर वगैरह जो नए लगे हैं वो दिखाऊं, बट अब सीधे चलते हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगता कि धूप आपको लग रही है, बिल्कुल धूप नहीं लगती यहाँ पे, और बिल्कुल ठंडा है क्योंकि चारों तरफ मेरे पेड़ ही पेड़ हैं, बिल्कुल इधर भी पेड़ इधर भी पेड़। और चलो अब आगे चलते हैं, पेड़ों के बीच भी से होके जाना पड़ेगा हमें। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं सुवा नदी। तो उस साइड जाने से पहले मैंने साइकिल को लॉक लगा दिया, और क्रॉक्स भी इसमें लॉक में लॉक कर दिए मैंने, क्योंकि मैं जा रहा हूं नंगी पैरी। तो आपको दिखाते हैं आगे चल के। तो ये पानी इतना गहरा नहीं है, और पानी आगे गहरा है क्योंकि यहाँ पे माइनिंग नहीं होती, आगे माइनिंग यहाँ होती है, वहाँ पे बड़े बड़े टोए हैं, बहुत बड़े बड़े टोए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो एक आदमी से भी ज़्यादा मतलब खड्डा है, वो पूरे का पूरा ट्रक भी डूब जाता है कई कई बार। तो बस देखो कितना अच्छा लग रहा है पानी चलता हुआ, और कितनी अच्छी पानी की साउंड आ रही है, और पूरा एरिया देख सकते हो। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो आप पानी चलता हुआ, और व्यू देख सकते हो यहाँ का।
बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ। चलता पानी बहुत अच्छा लगता है और ज़िंदगी भी ऐसी चल रही है, मतलब चलती हुई अच्छी लगती है। अगर पानी मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाए और ज़िंदगी भी एक जगह रुक जाए तो बहुत ही दिक्कत होती है। और जो ये देखो रास्ता अपने आप बन रहा है, हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा ही पानी की तरह कोई भी दिक्कत हो, दिक्कत में भी रास्ता और मुश्किल में भी हमें रास्ता बनाना आना चाहिए ताकि हम फिर से हैप्पी लाइफ जी सकें। और किस किस को ये लोकेशन पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और मेरे सामने हैं वो वहाँ पे ये भैंस वगैरह जो होते हैं और जिन्होंने रखी हुई हैं और गांव-गांव में जाके चराते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सामने यहाँ पे ये भैंस हैं, यहाँ पे ही ये मतलब खुले में यहाँ पे देखो इनको रखते हैं और इनके पास 3-4 कुत्ते होंगे जो इनको रात को इनकी देखभाल करते हैं और देखते हैं ताकि कोई और ना ले जाए। और मैंने बताया कि आपको कि पानी की तरह हमारी लाइफ होनी चाहिए, बट पानी को भी रोकने के लिए जैसे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है तो पानी को भी बहुत दिक्कत आती है। देखो ये जो बट्टे हैं ना, बट्टे मतलब जिसको ये हम स्टोन बोलते हैं, पत्थर, ये भी पानी को रोकने की कोशिश करते हैं बट पानी इसको चीरता हुआ आगे चला जाता है। और हमारी लाइफ में भी ऐसे, और हमारी लाइफ भी पानी जैसी है और कई प्रॉब्लम होती है जो ये पत्थर जैसी होती हैं जो हमारी लाइफ को प्रॉब्लम में डाल देती है। तो इस पत्थर से अपनी लाइफ को दूर करें और अच्छी लाइफ जिएं और पानी की तरह आगे बढ़ते रहें। कितना अच्छा लग रहा है ना पीछे व्यू। चलो अब चलते हैं घर फटाफट से। और मम्मी ने अभी करनी है कुकिंग, तो आपको दिखाते हैं कुकिंग। तो ये इवनिंग का कितना प्यारा शॉट आ रहा है। और घूमने के लिए माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसी जगह पे आके। तो एक बात और, मैं वहाँ पे ही जा रहा था, यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। ये यहाँ पे मैं अंदर पानी में मतलब रुका हुआ था, वहाँ पे रास्ता बना हुआ है। कभी भी आप ऐसे पानी में एकदम से ना जाएं अगर आपको पता नहीं है कि वहाँ पे मतलब गहराई की, मतलब बिना गहराई जाने आप कभी पानी में मत जाना। मेरे को पता है कि यहाँ से रेगुलर लोग जाते हैं और ये मतलब रास्ता बना हुआ है एक इधर से इधर आने के लिए, उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ अभी। तो मेरे को पता था तो तभी मैं इसमें गया अंदर, नहीं तो मैं भी नहीं जाता क्योंकि इस साइड जो है गहराई है, मतलब गया नहीं हूँ तो इस साइड ही मैं गया था हल्का सा अंदर वो भी। और बस आप इसको दूर से देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। चलो अब चलते हैं घर, अभी लॉक लगा के खोलते हैं इसको, दूसरा क्रॉक्स को और साइकिल को। तो ये हमारा खुल गया लॉक और इसमें से निकालते हैं अपने क्रॉक्स और ये हमारा साइकिल भी फ्री हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है और सीधी बस हल्की हल्की पानी की आवाज़ ही आ रही है, बाकी ये चिड़ियों की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। और हमारे यहाँ वाइट रेत की माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा। ये पंजाब है सामने और ये हिमाचल, हिमाचल इस साइड ज़्यादा जो करते हैं वो हिमाचल वाले ही करते हैं, हमारे मतलब पंजाब वाले, हमारे गांव वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते। हम सभी ने मतलब गांव में पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसमें ज़मीन अपनी में। तो अभी मेरे को प्यास लगी थी, मैं फ्रेश पानी पी रहा हूँ, भैया ने फ्रेश पानी दिया भर के क्योंकि यहाँ पे कंडे वाली तार लगी हुई है, थैंक यू भैया का। और पानी पी रहा हूँ मैं इसमें बिल्कुल फ्रेश, नहीं पीना आ जाऊँ।
बहुत प्यास लगी थी। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्वान नदी से घूम के, और वंशिका आई हुई है, चाची जी आए हुए हैं, सभी बैठ के बातें कर रहे हैं। वंशिका खा रही है देसी, क्या होता है, बर्फ का गोला, बर्फ का गोला, फ्लेवर कोई नहीं डाला, ऐसी बर्फ देसी गोला, मतलब बर्फ सीधी उठा के खा रही है, कोई उसमें फ्लेवर डाल बिल्कुल भी नहीं डाला इसने। वंशु का रिजल्ट आने वाला दसवीं का, फिर पार्टी करेगी वंशु। है वंशु कितने परसेंट आ जाने, 80 तक आ जाने है ना, पार्टी की थकानी, 4 बिलियन चल डन, इच्छे गल नहीं, ठीक है चलो हम केक कटना कहा बड़े जल सा 10 की हो जाना, फिर असं केक कटना, ठीक है वंशु पक्का पार्टी करेंगे। हाँ वंशु बोली कि जल्दी जल्दी आप सभी 10 के करवा दो हमारे सब्सक्राइबर, फिर आप एक छोटी सी पार्टी करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में, तो मम्मी क्या बनना आज, आलू बड़ी बन रही है, तो अभी बड़ी जो है वो होगी फ्राई, उड़द की बड़ी है, उड़द की दाल की ये बड़ियां बन रही हैं। मेरे को थोड़ी सी ना ये पसंद नहीं है, मेरे को सोयाबीन की पसंद है, ये नहीं पसंद, बट बन रही है तो मैं खा लेता हूँ, मैं बड़ी निकाल के आलू आलू खा लेता हूँ। ये हल्की सी मम्मी ने इसको फ्राई कर दिया, तो अभी तड़का इसके लिए हमने जीरा डाल दिया इसमें, जीरा भून गया, और इसमें क्या मम्मी मिक्स किया हुआ, प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज हरी मिर्च लहसुन अदरक, इसका पेस्ट है, और पेस्ट हम सीधा डाल देना है, कर गया हमारा पेस्ट। मिक्सी में जो टेस्ट आता है वो टेस्ट इससे बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, पता नहीं क्यों क्या है, ये पत्थर का बना हुआ है और लकड़ से ये, तो इसका टेस्ट बहुत अलग आता है। अगर आप आम की चटनी भी बनाते हो बहुत टेस्टी बनती है, इसमें मिक्सी से 100 गुना ज़्यादा। तो इसमें डालने के लिए इधर आलू कट चुके हैं, बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं, और ये तड़का इधर लग चुका है, पेस्ट कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मम्मी कितने टमाटर पाने च, और ये बड़ी कितनी दी हैं, छोटी छोटी दो बड़ियाँ ना, दो बड़ियाँ क्योंकि हम 3 जने हैं खाने वाले, तो छोटी छोटी दो बड़ियाँ बनाई हैं, जिसकी बड़ी फैमिली होगी उसको तो ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और दो टमाटर डाले हैं उसमें हमने, और छोटे छोटे हमने इसमें 3 आलू डाल दिए। मम्मी ये पानी क्यों पाया आलू आज, काले नहीं, अच्छा जी, अब हम मतलब काट के रख देते हैं, अगर ऐसे काट के सीधे रख दिए तो काले हो जाएंगे ना, पानी में डाल के काले नहीं होते ना, फ्रेश रहते हैं। इसमें डल रही है अब हल्दी, इसमें डल गई अब हल्दी हल्की हल्की, डिग्गी मिर्च पा दो, हल्की सी हमने डिग्गी मिर्च डाल दी है कलर के लिए, और मम्मी बोल रहे हैं मम्मी हल्दी अवाल नहीं है, हाँ अगले ब्लॉग में जब मम्मी उसको बनाएंगे ना हल्दी को, मैं वो वीडियो भी आपने मांगी थी एक जने ने, मैं वो डालूंगा पक्का। अब डाल दिया हमने ये टमाटर, और टमाटर के बाद डालेंगे मम्मी क्या बोल रहे हैं, नमक डाल दिया ताकि टमाटर जल्दी गल जाता है ना। तो मम्मी बोल रहे हैं क्या करना भाई, कुकर चेंज कर देना, क्यों, स्टील वाला लेके आना, स्टील का कुकर लेके आना, और कढ़ाई लेनी है, छोटी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई तो साडे कोल हैगी है ना लोहे दी, बड़ी बहुत ज्यादा है, छोटी लेके आनी है, छोटी कढ़ाई लेके आएंगे रोहे की, और ये एल्युमिनियम का है, हौली हौली धीरे धीरे हमने ये किचन से निकाल देना इसको सारी स्टील, मैंने तो जो नया वाला फ्राई पैन था वो भी स्टील का लेके आए हैं, हमारा स्टील का तो बोलते बात नहीं, लेके आए हैं वो वाला नया वाला एल्युमिनियम था जो, अब घर से धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। फाइनली अब हम इसमें डालेंगे अब आलू, में तड़का हमारा घी छोड़ दिया, तड़के में घी छोड़ दिया हम बोल रहे हैं, डलेंगे आलू, खुशबू देसी की पाया ना, नहीं उदा भी ना लहसुन प्याज की जे तो पाओ कुट के तो ज्यादा बढ़िया, और
ये आलू हमने कर दिए मिक्स ताकि मसाला अच्छी तरह लग जाए इनको। ऐसे आलू बने कितने अच्छे लगेंगे ना, आलू सीधे ना हमें आलू सीधे बने करने। अब इसमें डाल के डाल दी सीधे इसमें हमने ये बढ़िया। तो मम्मी ने बढ़िया को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब इसमें डलेगा पानी। पानी मतलब डालने से पहले इसको 2-3 मिनट इसको ऐसे भूनने देना हल्की आंच पे। हल्का सा डाल दिया इसमें हमने गरम मसाला और इधर पानी। मम्मी पानी कितना का पड़ा, मतलब एक चिल्ली एक छोटी सी आधे लीटर से भी कम पानी है जो हमने इसमें अभी डालना है। लो जी ये बन गया हमारी आलू बड़ी। अब लग जाएगा इसको ढक्कन। हम कितने टाइम तक करना देना है, 2 सीटियां लग जाएंगी ना। तो अभी गर्मी बहुत हो चुकी है किचन में भी। चलो जी कट्टे लाए मैं कट रखा और भी कम कर दिया मम्मी ने पानी। तो अभी इसको 2 सीटियां लग चुकी हैं और हम इसको कर देंगे अब गैस बंद। तो ये हमारी बन गई है आलू बड़ी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और मम्मी आलू थोड़े थोड़े अभी फेरे हैं क्योंकि पतले हो जाए मैश वो कर रहे हैं मम्मी ताकि थोड़ी सी तरी गाढ़ी हो जाए। और भी अब मेरे को नहाना है और नहा के चेंज करना है क्योंकि सोने में बहुत बढ़िया रहता है। नहा के सोना बहुत अच्छा लगता है और बॉडी में भी रिलैक्स मिलता है क्योंकि आज मैं सोहा नदी में जाके आया था ना तो थक चुका हूँ थोड़ा सा। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आज मैंने कोशिश की है कि आपके कमेंट के रिप्लाई करूँ तो मैंने आधे से ज़्यादा थोड़े से कमेंट थे उनका रिप्लाई किया। और जब भी मेरा ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा मैं आपके कमेंट को मतलब आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।